देखिए राहुल गांधी जी के बारे में जो ये हमला बोल रहे हैं ना, इनकी 2024 में महंगा पड़ेगा इनके लिए। तो चॉइस जो है आ रहा है उसमें मोदी जी का वो वाला नहीं रहा है जो पहले था, मोदी 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 जो बोलते थे, अब कहा बोलते हैं, कोई बोलते नहीं है। मीटिंगों में वो लोग नहीं आते जो पहले आते थे, अब वो नहीं समझ पा रहे, उनकी मर्जी है। मेंबरशिप जाने की खतरा है? कोई मेंबरशिप जाने वाली नहीं है, इनके षड्यंत्र चलते रहते हैं, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, ये लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे जुडिशरी हो, दबाव में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, आप देख ही रहे हो क्या हो रहा हाल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बिहेवियर है वो माकूल है क्या? और ईडी इनकम टैक्स सीबीआई भेज रहे अभी तक घरों में लोगों के, और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, जबकि मैं चाहता हूं वो रहे। इकोनॉमिक ऑफेंस जरूरी एजेंसी है ये, इनकम टैक्स जरूरी है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उनकी बजाय इन सबका डाइवर्ट कर दिया पॉलिटिशियन के ऊपर, तो कितना बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। इकोनॉमिक ऑफेंस कितना हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो इनकी परवाह नहीं है, एजेंसी का काम वो है जो नहीं करें वो लोग, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आजकल एजेंसी वाले आते हैं ना, पहले इतना करते हैं हम 12 बजे आने वाले भाई, आप देख लेना, आप सोच सकते हो कहाँ जा रहा है देश। ये तमाम बातें चिंताजनक है देश के लिए। अब देशवासी कब समझेंगे उसका इंतजार करो। मैं समझता हूँ कि अब समझेंगे। अब मैं कहीं बात करता हूँ तो कई जगह लोग समझने लग गए हैं कि ये कहते वो कुछ है करते कुछ है। इनका चाल सही तो चेहरा सामने आ चुका, देश के सामने आ चुका है। देश की बर्बादी से बचाने के लिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आजादी जंग के अंदर भी उनकी भूमिका थी। उस भूमिका में मीडिया आते हुए क्यों डरता है? आज पूरा मीडिया डरा हुआ, गोदी मीडिया क्यों कहलाता है? लोग बुरा लगता है कि गोदी मीडिया क्यों कहता हम लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ दो, सब कॉमर्शियल हो गया धंधा। ये धंधा है कॉमर्शियल, आप लोगों का पैसे कमाने धंधा हो गया, ये मिशन कुछ नहीं रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे आपका विजुअल मीडिया हो। दुर्भाग्य है, तुम लोग खुद को गुलाम बना रखा है। आज कोविड आ गया, पैसे कम कर दिए, नौकरी निकाल दिया, ट्रांसफर कर दी, हिंदुस्तान भर में कई जगह ऐसा हो रहा है। कई लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, रिस्क भी ले रहे हैं लोग, आग रिस्क ले रहे हैं लोग। आग आपकी मजबूरी है, आपको अपना घर चलाना है, पर जो मिशन आपका होना चाहिए ईमानदारी की बात है। चौथा स्तंभ क्या है? चौथा स्तंभ के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हो क्या, कर पा रहे हो क्या? अपने अंतराल में पूछो, मुझसे मत कहलवाओ। मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मुझे गुस्सा कोई मालिक है या मीडिया में नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है कि देश के हालात जो बिगड़ रहे हैं, जब देश बर्बाद ही हो जाओगे फिर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे, कोई नहीं बोल पा रहा है। आप मैं तो प्लेटफॉर्म जो है हिंदुस्तान में सत्य हिंदी और कई ऐसे मैं नाम भूल गया हूँ, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं वो लोग, उनकी तारीफ जितनी करें उतनी कम है। ये हालात देश में बन गए, मेरा क्या बगैर, मैं तो अपनी दिल की दुख बता रहा हूँ आपको, मुझे दुख हो रहा है देश की दिशा में जा रहा है।